कहना चाहेंगे जो नेता है कि नीतीश जी को जो यह घबराहट है, नीतीश जी की यह जो छटपटाहट है, नीतीश जी की जो यह बौखलाहट है, नीतीश जी की जो यह थर थराहट है, यही तो भाजपा के आने की आहट है। पूरा विश्व आज गुरु मान रहा है और मोदी जी को पैर छू रहा है, तो ये देन क्या है? काम की पूजा होती है, आदमी की नहीं होती है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी पटना में हूँ और पटना के बीजेपी कार्यालय में हूँ। और एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है सनातन धर्म को लेकर के, उन्होंने कहा है कि जो सनातन धर्म है वो कोरोना की तरह है, कीड़े मकोड़े की तरह, वायरस की तरह है, और इन्हें कुचल देना चाहिए, इनको कुचल देना चाहिए। अब हम महिला नेता है बीजेपी के, क्या कहें? पता है आपको स्टालिन क्या बोल रहे हैं सनातन धर्म के बारे में? अरे उनका बोलने का काम है, बोलने दीजिए। हम लोग का जो काम है हम लोग अपना करता ही रहेंगे। उनको तो शुरू से यही आदत ही है कि उनके खिलाफ बोलने के लिए। और हम लोग का सनातन धर्म क्या तोड़ सकता है? कोई तोड़ सकता है? जी के मुंह से नहीं निकला है, वो लिख के लाए थे। तो जो वो अपने परिवार में अपने पिताजी से सीखेंगे, जो घर में परिवार में चर्चा होगा, वही तो बोलेंगे। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, वैसे सनातन धर्म विरोधियों को, वैसे हिंदू धर्म के विरोधियों को बोलना चाहेंगे कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, और आज जन्माष्टमी का पवित्र दिन है, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजान्यहम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय स दुष्कृताम। तो यह जो उन्होंने कहा था उसका आधार ही यही था कि जब जब धर्म के हानि के लिए पृथ्वी पर कोई भी जन्म लेगा, जब जब कोई भी अधर्मियों का बढ़ेगा प्रभाव, तब तब इस पृथ्वी पर भगवान स्वरूप देवता प्रकट होंगे और उन विधर्मियों का, सनातन धर्म का विरोध करने वाले विधर्मियों का नाश करेंगे। और मैं कहता हूँ कि मोदी और योगी के रूप में इस कलयुग में इन अधर्मियों का सर्वनाश करने के लिए युग में देवता जन्म ले चुके हैं, और अभी तो कुर्सी से वो लोग केवल बेदखल हुए हैं। अगर यही दुर्दशा और यही मानसिकता रहेगी तो जल्दी वह इस दुनिया से अपने आप प्रभु के शरण में चले जाएंगे। कृष्ण के अवतार में योगी और मोदी जी आ गए देश को उद्धार, देवता के अवतार में संहार करने के लिए। संहार का मतलब ये नहीं है कि हत्या कर देना, संहार का मतलब है धर्म की स्थापना, अधर्म को समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सीधे गंगा में जाते हैं और जलार्पण करते हैं, प्रभु श्री राम के दरबार में जाके साष्टांग प्रणाम करते हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य और दिव्य रूप से बन के तैयार है, यहाँ पर कॉरिडोर बन के उज्जैन महाकाल बन के तैयार है, बाबा विश्वनाथ का जो है सो बन के तैयार है। यह सनातन का स्वर्णिम युग है, तो जब जब स्वर्णिम युग आता है तब तब इसी प्रकार विधर्मियों को लगता है छटपटाहट, घबराहट, बौखलाहट में बोल रहे हैं। एक सवाल, लास्ट सवाल आपसे पूछना है, इतनी बड़ी बात बोलना बहुत बड़ी बात हो गई है जी, तो क्या बिहार में बीजेपी इस बात के लिए कोशिश करेगी? बिहार में प्रोटेस्ट करेगी? नहीं, प्रोटेस्ट कर रही है। और हम इसको बड़ी दूसरे तरह से बोलना चाहेंगे कि हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने डंडा खाया है सड़कों पर, डंडा खाया है, और हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भाजपा का डंडा कहा जाता है। तो जो डंडा कहा जाता है उन्होंने डंडा खाया है, तो वो अब इस डंडा का ताकत दिखाएंगे। और हम ये बिहार के इन लोगों को यह कहना चाहेंगे जो नेता है कि नीतीश जी को जो यह घबराहट है, नीतीश जी की यह जो छटपटाहट है, नीतीश जी की जो यह बौखलाहट है, नीतीश जी की जो यह थर थराहट है, यही तो भाजपा के आने की आहट है। यही तो नया है, हमारी सनातन जो है हमारी नई है, नहीं है हमारा भारत देश एकदम विख्यात है सब पूरे विश्व में। लेकिन वो इतना बड़ा बयान दिए कि बड़े बड़े अधिकारी, जज, रिटायर जज, मतलब आईएएस ऑफिसर, सब लोग जो रिटायर आईएएस हो रहे, कम से कम 163 लोग जो भारत के सबसे गणमान्य लोग हैं, उन लोगों ने उनके ऊपर दायर किया। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस, जो रिटायर चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी चंद्रचूड़ सिंह को एक पत्र लिखा है कि उनके ऊपर न्यायालय की तरफ से कार्रवाई की जाए। हाँ तो सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरे खिलाफ जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये हमारे सनातन धर्म को कोई तोड़ ही नहीं सकता है, कोई नहीं तोड़ सकता है। उसके लिए तो हम लोग को मतलब कुछ भी करना पड़ जाए करेंगे। सनातन धर्म इसके खिलाफ आप लोग करने जा रहे हैं?
अभी तो नहीं कुछ करने जा रहे हैं, जब मौका पड़ेगा तो करेंगे। रामराज हमारे अयोध्या का जब होने जा रहा है, देख रही है हमारी अयोध्या नगरी रामराज, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग खड़े जा रहे हैं। शायद वो हिंदुस्तान की व्यक्ति ना हो, क्योंकि जिनको जिनका जन्म हिंदुस्तान में है वो सनातनी है, और आज के समय में जितने छोटे बच्चे से पूछेंगे वो बताएंगे हम सनातनी हैं, क्योंकि हिंदू जो राष्ट्र है कोई आज का दिया हुआ नहीं। और वर्षों वर्षों से जो है ये जो एक छोटे से बच्चे में क्यों हम लोग तिलक लगाते हैं, क्यों हम लोग पूजा करते हैं, ये सारा चीज़ है जो आज ये लोग जो बोल के स्वार्थी हो गए हैं, इतना मतलब भ्रष्ट इन लोगों का बुद्धि हो गया है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने धर्म को ये लोग नीचा करते हैं, अपने भारत को जो है उसका मान सम्मान ये सब बोल के गिराते हैं। इससे भारत का हिंदुस्तान का कुछ नहीं होने वाला है, आपका देखा जाता है कि आपका क्या कितने गिर चुके हैं, कि आपका जो है वजूद कितना गिर गया है। जब आपकी सोच अच्छी नहीं है तो क्या आप भारत को क्या दे सकते हो, जनता को क्या दे सकते हो। चलिए मैडम क्या कहेंगे आपका क्या विचार है, कुछ तो बोल दीजिए। नहीं आप बोलिए। मैं तो यही कहती हूँ कि जो इसको कोरोना कहते हैं कि सनातन धर्म कोरोना है, वो खुद ही कोरोना है। अगर हम लोग सनातन धर्म को नहीं मानेंगे तो हम लोग इस धरती पर नहीं रह सकते। संस्कृति और संस्कार दोनों चीज़ को लेकर के ही सनातन धर्म है, और जब तक हम संस्कृति और संस्कार को नहीं समझेंगे तो सनातन धर्म को हम नहीं समझेंगे। वो जो कहते हैं कोरोना है, तो इसका मतलब है कि सनातन धर्म का वो पढ़ ले एक बार कि सनातन धर्म क्या होता है और क्या चीज़ है, तब उनको सच्चाई पता चलेगा कि सनातन धर्म पता नहीं वो यहाँ के हैं या नहीं है, वो खुद ही लग रहा है कि पाकिस्तानी है। इंडिया के हैं तो क्रिश्चियन है, तो इसीलिए हम लोग का धर्म का विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो किसी धर्म का विरोध ना करते हैं, ना क्रिश्चियन हो या हम लोग का मुस्लिम हो, हम लोग किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अगर बोलते हैं तो उनपे हम लोग उनका भारत ही ऐसा देश है जो सभी धर्म के लोगों को जोड़ के चलता है, और पूरा विश्व आज गुरु मान रहा है और मोदी जी को पैर छू रहा है, तो ये देन क्या है। काम की पूजा होती है, आदमी की नहीं होती है। आप अच्छा काम कर रहे हो, दिख रहा है कि हमारा भारत कहाँ से कहाँ निकल रहा है, तो ये सब तो ऐसे आएंगे और ऐसे जाएंगे। ये चुटकी में भगा दिए सबको, आप क्या कहेंगे। सही बात है, भारत जो है सनातनियों का देश है, और परंपरागत आप लोगों ने देखा है कि संतों की धरती रही है और संतों की धरती है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि भारत के विषय में, तो वो लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि वो खुद क्रिश्चियन है, तो जो सूढ़ियों पर टंगे गए थे उनको क्या पता संस्कार और संस्कृति और भारत के विषय में और सनातन के विषय में, उनको जानकारी नहीं होगी। ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ कि ना किसी पर उंगली उठा और ना किसी कोई आप पर उंगली उठाए, ऐसा शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके शब्द पर ही आपका रोक नहीं है तो मुझे लगता है कि आपका अपने आप पर रोक नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है, सच पूछिए तो आप जो सनातन के विषय में अगर ऐसा बोल सकता है, हिंदुस्तान में रह करके बोल सकता है, भारत में रह करके बोल सकता है, तो वो सत्य पूछिए तो अपने बाप का बेटा ही नहीं है। क्या बात है, आप तो बहुत बड़ी उनको चैलेंज कर दिए। चलिए ये महिला नेत्री हैं, बीजेपी कार्यालय में है, हम कोशिश करते हैं कुछ पुरुष नेता से बात करने के लिए। देखिए, जिसने भी सनातन को धर्म के बारे में बोला है या समाप्त करने की सपना भी देखा है, वो खुद समाप्त हो गए हैं, यह इतिहास गवाह है। कांग्रेस के नेता का जीवन भर का लक्ष्य यही रहा है, धर्म के आधार पर देश बांटना, धर्म के आधार पर राजनीति करना, धर्म के आधार पर कानून लाना, सनातन के विरोध में विभिन्न प्रकार के कानून लाना, अल्पसंख्यक आयोग बनाना, वक्फ कमेटी को दान में हजारों करोड़ की संपत्ति दे देना, और अभी जो इंडिया गठबंधन बना है उनके मानसिक रूप से एकमात्र जड़ है और वो है केवल और केवल हिंदू और सनातन धर्म का विरोध, जो गलती से स्टालिन जी के मुँह से नहीं निकला है, वो लिख के भाजपा ने किया। भाजपा यही भाजपा की आने की आहट है। इन्होंने पुरजोर विरोध किया, स्टालिन जो बोले थे कि सनातन धर्म जो है कीड़े मकोड़े की तरह है, वायरस की तरह है, उसे खत्म कर देना चाहिए, और बीजेपी पुरजोर विरोध कर रही है। मैं शंभू कुमार कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना के, मैं चाहेंगे लाइक और सब्सक्राइब नहीं की। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।